स्टार्ट। ये उत्सव मना रहे हैं, सारे शहर में रोशनी की जा रही है। उन्हें बताया गया है कि उनकी सेना और रथ विजय प्राप्त कर लौट रहे हैं। नागरिकों में से ज़्यादातर को पता नहीं है कि किस युद्ध में उनकी सेना और शासक गए थे, युद्ध किस बात पर था, यह भी नहीं कि शत्रु कौन था, पर ये विजय पर्व मनाने की तैयारी में व्यस्त हैं। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि उनकी विजय हुई है। उनकी से आशय क्या है यह भी स्पष्ट नहीं है। किसकी विजय हुई, सेना की कि शासक की कि नागरिकों की, किसी के पास पूछने का अवकाश नहीं है। नागरिकों को नहीं पता कि कितने सैनिक गए थे और कितने विजयी वापस आ रहे हैं। खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है। सिर्फ एक बूढ़ा मशक वाला है जो सड़कों को सींचते हुए कह रहा है कि हम एक बार फिर हार गए हैं और गाजे बाजे के साथ जीत नहीं हार लौट रही है। उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। और अच्छा यह है कि उस पर सड़कें सींचने भर की जिम्मेवारी है, सच को दर्ज करने की या बोलने की नहीं। जिन पर है वे सेना के साथ ही जीत कर लौट रहे हैं। आइए पहला भाग देखते हैं। वे उत्सव मना रहे हैं, सारे शहर में रोशनी की जा रही है। उन्हें बताया गया है कि उनकी सेना और रथ विजय प्राप्त कर लौट रहे हैं। नागरिकों में से ज़्यादातर को पता नहीं है कि किस युद्ध में उनकी सेना और शासक गए थे, युद्ध किस बात पर था, यह भी नहीं कि शत्रु कौन था, पर ये विजय पर्व मनाने की तैयारी में व्यस्त हैं। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि उनकी विजय हुई। उनकी से आशय क्या है यह भी स्पष्ट नहीं है। किसकी विजय हुई, सेना की कि शासक की कि नागरिकों की, किसी के पास पूछने का अवकाश नहीं है। आइए अब शब्दार्थ देखते हैं। उत्सव यानी समारोह, रोशनी प्रकाश, विजय जीत, ज़्यादातर अधिकतर, युद्ध लड़ाई, विजय पर्व जीत का समारोह, व्यस्त संलग्न, आशय तात्पर्य। इस सुंदर गद्य कविता में वाजपेयी जी ने एक युद्ध के स्वाभाविक परिणाम के विषय में अपने भाव व्यक्त किए हैं। कविता का शीर्षक है हार जीत, अर्थात पराजय जय विजय। किसी भी युद्ध के फलस्वरूप इन्हीं दो परिणामों की संभावना होती है। आइए कविता का आनंद लें। वे अर्थात देश के नागरिक समारोह मनाने में संलग्न हैं। नागरिक उत्सव कैसे मना रहे हैं? पूरे शहर को प्रकाश से जगमगाकर। शासक वर्ग ने उन्हें सूचित किया है कि देश की सेना और उनके अंगरूपी रथ जीतकर लौट रहे हैं। किस लड़ाई में विजय प्राप्त कर उनकी सेना और ये सत्ताधारी लौट रहे हैं, इस सत्य से अधिकतर नागरिक अनभिज्ञ हैं। किस कारणवश युद्ध का आरंभ हुआ था उन्हें इसका पता नहीं है। उनका दुश्मन कौन था जिसको हराकर उनकी सेना लौट रही है वो नहीं जानते। कवि का संकेत पाठक गण के लिए यह है कि युद्ध के विषय में तनिक भी जानकारी न होते हुए भी नागरिक जीत के समारोह के प्रबंध में पूर्णतया संलग्न है। उनको केवल इतना ज्ञात है कि इनकी जीत हुई है। उनकी से क्या तात्पर्य है यह भी प्रत्यक्ष पता नहीं है। इतिहास साक्षी है
कि किन्हीं दो पक्षों के युद्ध के मूल में स्वार्थ होता है। सत्ता पर आसीन राजा या शासक वर्ग युद्ध करवाते हैं, सेना के सिपाही युद्ध भूमि पर जाते हैं, अतः जीत सेना की होती है, पर शासक वर्ग उसका श्रेय लेते हैं। आम नागरिकों को इस विषय में कुछ भी पता नहीं होता, न युद्ध के कारण का, न शत्रु का, केवल शासक वर्ग का संकेत पर विजय पर्व के प्रबंध में लोग जुट जाते हैं। यह प्रश्न कवि पाठक गण से समक्ष रखते हैं। आइए अगला भाग देखते हैं। किसी के पास पूछने का अवकाश नहीं है। नागरिकों को नहीं पता कि कितने सैनिक गए थे और कितने विजयी वापस आ रहे हैं। खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है। सिर्फ एक बूढ़ा मशक वाला है जो सड़कों को सींचते हुए कह रहा है कि हम एक बार फिर हार गए हैं, और गाजे बाजे के साथ जीत नहीं हार लौट रही है। उस पर कोई ध्यान नहीं देता है, और अच्छा यह है कि उस पर सड़कें सींचने भर की जिम्मेदारी है, सच को दर्ज करने की या बोलने की नहीं। जिन पर है वे सेना के साथ ही जीत कर लौट रहे हैं। शब्दार्थ देखिए। अवकाश यानी समय, सैनिक सिपाही, वापस लौट, खेत रहने वाले यानी हुतात्मा शहीद, मशक वाला पानी रखने वाले चमड़े के थैला जिसको मशक कहते हैं, उसको रखने वाला जो होता है वो मशक वाला। जिम्मेदारी उत्तरदायित्व, जिन सत्ताधारी वर्ग, जिन शब्द से सत्ताधारी की तरफ आशय है कवि का। कवि आगे पाठकों से प्रश्न करते हैं, कौन जीता, सेना, शासक या नागरिक? इस प्रश्न का उत्तर जानने का किसी के पास समय नहीं है। वास्तव में सेना लड़ती है तो उसकी ही जीत होनी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। राजा या शासक वर्ग जिसके हाथ में सत्ता है यानी पावर है, सब विजय को वो ही विजय का गौरव ले जाते हैं। नागरिकों के हाथ कुछ नहीं लगता। नागरिकों को युद्ध में जाने वाले सैनिकों की संख्या की जानकारी नहीं है, और न ही शहीदों के नाम पता है, जिससे वो लोग उनके पराक्रम का गुणगान कर सकें। सत्ता पक्ष ने सूची को गुप्त ही रखा है। विजय पर्व की तैयारी में एक बूढ़ा मशक वाला सड़कों पर पानी छिड़क रहा है, जिससे सत्ताधारी जब वहाँ से गुजरें तो उनको उड़ती हुई मिट्टी से परेशानी न हो। उसका यह कहना कि हम फिर से पराजित हुए हैं पर नागरिकों को भ्रम में डालने के लिए सत्ताधारी बड़ी धूमधाम से समारोह का आयोजन कर रहे हैं, उसकी बात पर कोई गौर नहीं करता, क्योंकि इस तथ्य का कोई औचित्य ही नहीं है। उसका कर्तव्य केवल सड़कों पर पानी छिड़कने भर का है। युद्ध परिणाम के विषय में सत्य बोलने से वह मुक्त है, अर्थात हार या जीत से उसका कोई लेना देना या सरोकार नहीं है। कविता के अंत में कवि कहते हैं कि जिन पर यानी सत्ताधारी वर्ग पर सच बोलने का दायित्व है, वो लोग तो सेना के साथ ही विजयी होकर वापस आ रहे हैं। कवि ने इस कविता के माध्यम से पाठक गण के समक्ष अनेक प्रश्न रखे हैं। युद्ध का कारण क्या होता है? लड़ाई में जीत का अर्थ क्या है? कौन जीतता है या हारता है? शहीदों की सूची के अभाव में गुण और गौरवगान किसका करते हैं? आम नागरिकों का विजय पर्व की तैयारी में केवल औपचारिक सहभागिता क्यों है? युद्ध का अर्थ किसी
शत्रु देश से लड़ाई तो है ही, पर साथ साथ आतंकवाद, हत्या, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा आदि की ओर भी संकेत है कवि का। किसी न किसी रूप में स्वार्थ और दूसरों पर अपना पलड़ा भारी करने का प्रबल लालसा युद्ध का कारण होती है। सदा स्वार्थ युद्ध का कारण होता है। आशा करती हूँ इस हार जीत की चर्चा में जितना आनंद मुझे मिला आपको भी मिला होगा। अच्छा, तो अब आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलने के लिए। नमस्ते।